ये कहानी उस प्लेयर के उस महापारी पर आधारित है जिसे दुनिया वर्तमान में भारत का प्रिंस और विश्व क्रिकेट का नया बादशाह कह रही है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो मैच वर्तमान में यादों के अंधकार में दफन हो चुका है, परंतु उसकी एक पारी से उस दिन संपूर्ण आरसीबी फैंस का दिल टूटा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द डिस्ट्रॉयर ऑफ आरसीबी। ये कहानी है वर्ष 2023 रॉयल एनकाउंटर की। आईपीएल इतिहास की दो सर्वश्रेष्ठ टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। एक तरफ गुजरात के टाइटंस थे तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें टाइटंस को चैलेंज करने वाले बेंगलुरु के रॉयल चैलेंजर्स थे। बेंगलुरु के पास एक सुनहरा मौका था इस जीत को अर्जित करके प्लेऑफ में प्रवेश करने का। प्लेऑफ में प्रवेश करके बेंगलुरु सदियों से चले आ रहे एक कलंक को मिटाना चाहती थी, परंतु उसकी एक पारी और सब कुछ खत्म। दोनों टीमों के पास पर्याप्त बल और कौशल था। एक तरफ विराट कोहली, क्लेन मैक्सवेल, फॉफ डुप्लेसिस, दिनेश कार्तिक जैसे दिग्गज प्लेयर थे, वहीं दूसरी तरफ सुमन गिल, हार्दिक पंड्या, रिद्धिमान साहा और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी अंगराज थे। 21 मई 2023 चिन्नास्वामी का ये क्रिकेट मैदान, शाम 7:30 बजे बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस और गुजरात के कप्तान हार्दिक पंड्या टॉस के लिए मैदान में थे। टॉस जीतकर हार्दिक पंड्या ने पहले बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु का हार्दिक अभिनंदन किया। फॉफ के साथ विराट अब बेंगलुरु के लिए मैदान में थे। मैच प्रारंभ होता है। मैच के प्रारंभिक दौर से इन दोनों बल्लेबाजों ने गुजराती गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। पहले फॉफ ने लगातार 3 चौके लगाकर इस चौके के साथ मोहम्मद शमी के इस ओवर को खत्म किया। फॉफ के तेवर को देखकर विराट ने भी अपने तेवर बदल दिए, फिर दयाल पर बिना दया के 3 चौके बरसा दिए। विराट और फॉफ की ये जोड़ी बेंगलुरु के लिए मैदान में अब जम चुकी थी। ये दोनों बल्लेबाज गुजराती गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे। फॉफ और विराट की ये जोड़ी गुजरात के मंसूबों में पानी फेर रही थी। 7 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका था। आरसीबी के खाते में अब 67 रन आ चुके थे, परंतु 8वें ओवर में नूर ने फॉफ को अपने जाल में फंसाकर बेंगलुरु को पहला झटका दिया। फॉफ के आउट होते ही अब बेंगलुरु के लिए मैदान में था बेंगलुरु का क्लेन, बेंगलुरु की आंधी द क्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल की ये एंट्री संपूर्ण बेंगलुरु फैंस में एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह का संचार हो रहा था। मैक्स ने आते ही नूर अहमद को रिमांड पर लिया और नूर के इस ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़ दिया, परंतु हार्दिक ने नूर पर हो रहे इस आक्रमण को रोकने के लिए अफगान जलेबी राशिद खान को क्लेन के सामने उतार दिया। हार्दिक की ये चाल कुछ वक्त में काम कर गई। राशिद ने क्लेन मैक्सवेल को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। राशिद अब क्लेन के लिए पवेलियन तक का रास्ता प्लेन कर चुके थे। एक तरफ आरसीबी के विस्फोटक बल्लेबाज बैक टू बैक आरसीबी का दामन छोड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आरसीबी का भूतपूर्व कप्तान अभी भी आरसीबी के लिए मैदान में एक तरफा संघर्ष कर रहा था। वो कप्तान अभी भी बेंगलुरु की उम्मीदों को अपने कंधों में समेट कर अकेले उन उम्मीदों का भार थामे चल रहा था। अब 14 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। आरसीबी के खाते में 132 रन थे। आरसीबी का किंग, आरसीबी का विराट अभी भी मैदान में था। अब आखिरी 6 ओवर का खेल बाकी था। ऐसे में आरसीबी को अब जरूरत थी एक बेहतरीन धमाकेदार फिनिशिंग टच की। फिर माइकल ने बेंगलुरु का साथ छोड़ दिया रिसवाल के आउट होते ही। अब आरसीबी को संभालने के लिए दिनेश कार्तिक विराट के साथ मैदान में थे, परंतु कार्तिक ने तू चल मैं आया के सिद्धांत का पालन किया और पहली ही बॉल पर बिना खाता खोले आउट हो गए। एक तरफ से धड़ाधड़ विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से द किंग द विराट अभी भी आरसीबी के लिए अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा था। अंत के कुछ ओवर्स में विराट ने अनुज रावत के साथ मिलकर के कुछ बड़े शॉट्स लगाए और आरसीबी के स्कोर को 200 के करीब ला करके खड़ा कर दिया। विराट ने नॉट आउट 61 गेंदों में एक छक्का और 13 चौकों की मदद से 101 रन बनाए। वहीं अनुज रावत ने महज 15 गेंदों में एक शानदार फिनिशिंग टच देते हुए एक छक्का और एक चौका की मदद से 23 रन बनाए। ये रहा आरसीबी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा गुजराती गेंदबाजों के बॉलिंग का लेखा जोखा। गुजरात की ओर से नूर अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे। नूर ने 4 ओवर में 39 रन खर्च करके बेंगलुरु के 2 बल्लेबाजों का शिकार किया। वहीं राशिद ने 4 ओवर में 24 रन खर्च करके 1 विकेट लिया।
अब गुजरात के सामने 120 गेंदों में 198 रनों की एक विशाल चुनौती थी और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए गुजरात की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा। बेंगलुरु की ओर से नई बॉल मोहम्मद सिराज के हाथों में थी। गुजरात के पारी का पहला ओवर साधारण सा रहा, परंतु शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में वेन फॉर्निल पर आक्रमण कर दिया, परंतु तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने रिद्धिमान साहा पर आक्रमण करते हुए तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर साहा को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। साहा के आत्मसमर्पण के साथ गुजरात के टाइटंस अपना पहला विकेट खो चुके थे। साहा के आउट होते ही बतौर इंपैक्ट प्लेयर अब मैदान में थे विजय भाई शंकर। शंकर सुमन के साथ मिलकर के बेंगलुरु पर आक्रमण का विगुल बजा दिया। शंकर और सुमन की ये जोड़ी बेंगलुरु के तेज गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुकी थी। अपने तेज गेंदबाजों के इस कदर आत्मसमर्पण से बेंगलुरु के कप्तान ने अपने प्रमुख स्पिनर हिमांशु शर्मा को आक्रमण पर उतार दिया। शंकर और शुभमन को फर्क नहीं पड़ रहा था सामने स्पिनर हो या पेसर, गुजराती बल्लेबाजों के सामने सब बेदम नजर आ रहे थे। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, गुजरात के खाते में 90 रन आ चुके थे। ये मैच जीतने के लिए अगली 60 गेंदों में 108 रनों की जरूरत थी। 12वें ओवर में गिल का 50 आया। अपने 50 के बाद गिल का ये बल्ला गिल ने अगला ओवर फेंकने आए माइकल ब्रिसवेल के इस ओवर में 16 रन कूट दिए। 14वां ओवर की चौथी बॉल पर विजय ने इस छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, परंतु अर्धशतक के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने शंकर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से शंकर ने अपना विकेट फेंक दिया। अब 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, विजय शंकर गुजरात का साथ छोड़ चुके थे, परंतु शुभमन गिल अभी भी गुजरात के लिए अपनी आदसी पारी खेल रहे थे। अब गुजरात के लिए मैदान में थे डेविड मिलर, परंतु डेविड के बल्ले से भी कुछ खास कमाल ना हो सका और डेविड ने भी मैच 7 गेंदों में 6 रन बनाए। मिलर के आउट होते ही आरसीबी की उम्मीदें बढ़ चुकी थी, परंतु खेल के रहते आरसीबी की उम्मीद ही रहने वाली थी। यहां से यह मैच जीतने के लिए गुजरात को अगली 13 गेंदों में 25 रनों की जरूरत थी। शुभमन का बल्ला महज 47 गेंदों में 85 के स्कोर को पार कर चुका था। अगली 3 गेंदों में शुभमन के बल्ले से 13 रन निकलते हैं। अब शुभमन 98 के व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद थे और अगली 6 गेंदों में 6-7 रनों की जरूरत। गिल ने आखिरी ओवर की पहली बॉल पर इस छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया और इस छक्के के साथ खत्म हो जाता है आरसीबी का वो सफर। जारी रहता है वो कलंक जो सदियों से चला आ रहा था। विराट और हॉफ की ये मायूसी उनके फैंस से चीख चीख करके उनके जज्बातों को बयां कर रही थी, परंतु आरसीबी का वो सपना इस वर्ष भी आरसीबी के लिए सपना बनकर रह जाता है। ऐसे में अब आरसीबी के फैंस को उम्मीद थी 2024 से, शायद इस वर्ष। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड हमारी आवाज हमारे अंदाज में।